600 रुपए का भाड़ा साला। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस कैसे, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज का ब्लॉग है, सोमवार का दिन हो गया है, टाइम हो गया है, ये चेक करो आप लोग, टाइम हो चुका है लगभग आपका 3 बजने ही वाले हैं। और आज दिन है सोमवार का और हम अपनी गाड़ी से ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर रहे, गाड़ी के कर रहे हैं, आज इसकी गाड़ी से ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। और इसकी गाड़ी में ये चेक करो, माइक लगा हुआ है गाड़ी में, ठीक है, और अपनी गाड़ी पीछे खड़ी हुई है, बिक्री के नहीं पता नहीं। तो कल जो गाड़ी में मॉडिफाई करवाया था वो कैसा लग रहा था आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी कर रहे थे ड्यूटी को ऑन, और ड्यूटी को ऑन करने के बाद आज देखते हैं बाज़ार कैसा होता है, क्योंकि आज दिन सोमवार का है, सोमवार के दिन और जुमरात के दिन तो बाज़ार ऐसे ही डाउन रहता है। फिर भी अल्लाह का नाम लेकर निकल चुके हैं ड्यूटी के लिए, आ गए मेन रोड पर, बीटी रोड में। ये देखो सामने बीटी रोड आया है, और ये सामने वाली बिल्डिंग है, और इसके अपोजिट में ये वाली। तो गाइस आसिफ जो था वो तो निकल गया, बारह साहब की बुकिंग आ गई उसकी, क्योंकि इनड्राइव में आई थी, दोनों ने मारा, मैंने 540 मारा तो उसने 520 मार दिया, तो 520 वाली उठा लिया उसका, लेके चला गया। तभी ये यहीं पे वेट कर रहे हैं, और 3:26 हो गए, और बाजार इतना गंदा है कि देखो 100-100 रुपये का बुकिंग आ रहा है, 100 का, 150 का, बड़ा बाजार का 150 का, ये देखो ऐसा ऐसा राइड आ रहा है, क्या करा जाए यार। जल्दी जल्दी हमको यहाँ से निकलना हो, क्योंकि यहाँ पर बाजार बहुत डाउन रहता है। अभी कोई भी बुकिंग लेकर निकलेंगे यहाँ से छोटी हो वो भी लेकर निकल जाएंगे, बस भाड़ा अच्छा होना चाहिए, कुछ बचना चाहिए। तो गाइस एक तो राइड मिल चुकी है, जो कि हाथी बागान से पिकअप है और जाएगा मुकुंदपुर, 470 रुपये में एक्सेप्ट हुआ है। अब ये वेट करना बस खाली कस्टमर के लोकेशन पे पहुँचने तक कैंसिल ना कर दे, ये देखो 470। और अभी फ़िलहाल हम लोग शाम बाजार से पीछे है, और यहाँ से ज़्यादा नहीं 200 या 300 मीटर दूर है, शाम बाजार का सिग्नल मेन क्रॉस करना है, उसको क्रॉस करने के बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। बस वही है कि कस्टमर लोग वेट नहीं करता है तो कैंसिल कर देता है। व्यू चेक करो बाहर का, क्या जबरदस्त लग रहा है व्यू। तो गाइस आ चुके हैं घड़िया हाट में, और ये देखो ये वाली राइड लेके आए, 252 रुपया मिला है अपने को, और 380 का राइड था ये, और 8 किलोमीटर का डिस्टेंस था, तो अच्छा है। ये वाला देख लो 424 मिला है। तो अभी यहाँ से देखते हैं, टाइम हो गया है लगभग 5:20, तो देखते हैं यहाँ से कहाँ की बुकिंग मिलती है। देखो हावड़ा लिलवा की बुकिंग आ रही है 18 किलोमीटर का, दे रहा कितना है 580। नहीं अभी लीलवा नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जाम लग जाएगा, फंस जाएंगे। तो गाइस 1.25 घंटे के बाद एक तो राइड मिली है, जो कि क्या नाम है, हावड़ा सीपुर की साइड जाएगा। तो हम बोले यार चलो, वन किलोमीटर पिकअप है, तो मैंने बोली चलो यार यहाँ बैठे बैठे उसे भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, अब जो होगा देखा जाएगा, सीपुर निकलते हैं, नहीं अगर सीपुर में कोई बुकिंग आया तो हावड़ा स्टेशन चले जाएँगे, हावड़ा स्टेशन में नहीं आया तो फिर राजा कटरा जिंदाबाद, अब फिर राजा कटरा में तो आना ही है। तो अभी देखो ये सब भाड़ा दे रहा है, रेपिटो 23 किलोमीटर का भाड़ा दे रहा है 450। इच्छा अच्छा तो यार इनड्राइव में 450 में मिल गया, तो चलो फटाफट उसी को लेके निकल जाते हैं। ज़्यादा नहीं, वही 13 या 14 किलोमीटर लगभग होगा डिस्टेंस, और पिकअप लेके 15 किलोमीटर पड़ जाएगा। तो चलो अभी गाड़ी अपनी चली है 26 किलोमीटर। भाई हावड़ा का जाम देखो, हेवी वाला ट्रैफिक लगा हुआ है। एक तो इनड्राइव में क्या नाम है बुकिंग आई है, वो बुकिंग को एक्सेप्ट करने के लिए, मतलब एक्सेप्ट कर ही लिया, न्यू टाउन जाएगा, ये चेक करो आप लोग, 560 रुपये में एक्सेप्ट हुआ, 17 किलोमीटर का है। और हावड़ा सलकिया जो मतलब चौमाता मोड़ है वो है सामने,
और कस्टमर का लोकेशन है उसके बाद में। तो कस्टमर बोला है कि आप चौमासा आइए, आके हमको फ़ोन करिए, हम वहीं चले जा रहे हैं। बढ़िया ही है, यहाँ भी उससे भी बहुत ट्रैफिक लगा हुआ, हम नहीं बोले, वो खुद ही बोला था कस्टमर, क्योंकि आगे जाने से फिर घूम के आना पड़ता है। इस वजह से कस्टमर बोला कि आप वहीं रुकिए या मतलब वहाँ तक आइए, फिर हम आ जा रहे हैं। तो वो आ रहा, तो गाइस आ चुके हैं न्यू टाउन में। नौ होटल जो है उस होटल में आए हैं, और यार कस्टमर कौन भीरा कर दिया, भैया भैया जल्दी, भैया भैया शादी है, भैया भैया वो, भैया वो, भैया भैया की कहा बोला जाए यार। तो अभी फ़िलहाल देखते हैं यहाँ से, एक तो बुकिंग है हट गई, एक ही बुकिंग थी जो कि हट गई। तो अभी पहले बाहर निकल के साइड में लगता है गाड़ी को, उसके बाद देखते हैं कोई बुकिंग आती है कि नहीं। तो गाइस एक तो राइड मिली थी वहाँ से इको पार्क, मतलब क्या बोले, वहीं से मतलब 2-2.5 किलोमीटर पिकअप था और ड्रॉप था 20 किलोमीटर, 440 में लेके आए, वो भी इंड्राइव में। आज सारी राइड इंड्राइव में ही हुई है, और अभी यहाँ पे वेट करते हैं। देखो बुकिंग तो बहुत सारी है, लेकिन सब पास पास से नहीं है, सब दूर दूर से है। और चलो देखते हैं कौन सी पास से बुकिंग आती है, उसको लेकर चलते हैं। तो गाइस आ चुके हैं चांदनी मार्केट के पास में, और ओला में खिदिरपुर से भाड़ा लेके आए थे। देखो ये दिया अपने को फेयर ओला, कितना किलोमीटर का डिस्टेंस था ये भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखो 6.4 और 1 किलोमीटर, मतलब 7 किलोमीटर का भाड़ा दिया ये, ठीक ही है रात के टाइम पे, और क्या। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे वेट कर रहे हैं, अगर कोई भी छोटी मोटी बुकिंग कुछ भी लेके अगर मिल जाए तो लेके चलते हैं घर की तरफ, और नहीं मिलेगी तो आधे घंटे बाद खाली निकल जाएंगे। और एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई लास्ट का वीडियो क्यों नहीं बनाते हो, तो भाई लास्ट का वीडियो बनाता उस दिन का, मतलब लास्ट का जो एंड का वीडियो है ना, उसमें चेक करना देखना, क्वालिटी ख़राब होने लग रहा है। मतलब क्वालिटी ख़राब इस वजह से हो रहा था, कैमरा का ना चार्ज ख़त्म हो गया था, तो इस वजह से लास्ट का वीडियो नहीं बनाया। सुबह में मन नहीं किया बिल्कुल भी वीडियो बनाने का, तो इस वजह से वो वाला जो भी वीडियो बनाया उसे ही बना दिया। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे वेट करते हैं, और आज अपना काम इसमें हुआ है इंड्राइव में, तो इधर लो 2000 के लगभग इंड्राइव में काम हुआ है, और ओला में 180 मतलब 2100 के लगभग का काम अभी तक हो चुका है, जिसमें से अपनी गाड़ी कितनी चली वो आप लोगों को मैं बाद में जब टोटल करूंगा जब बता दूंगा। ये देखो अपडेट भी आ गया है फ़ोन में, लेकिन अभी अपडेट देंगे तो सब कुछ बंद हो जाएगा, रहने दो बाद में देंगे। 123 रुपये चढ़ गए इन ड्राइव हमसे पा रहा है, तो कल रिचार्ज करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। तो गाइस बुकिंग तो कोई नहीं मिली, तो खाली खाली जा रहे घर की तरफ। तो काम कितने का हुआ है और गाड़ी का तेल कितने का होगा ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं तेल ले लेता हूँ, उसके बाद कितना बचा है और कितने का काम हुआ है सब टोटल करके एक ही बार बता देता हूँ। तो अभी बस सबसे पहला काम ये है कि कोई भी पेट्रोल पंप खुला मिल जाए जिसमें तेल भरवा सकते हैं, क्योंकि हर कोई पेट्रोल पंप से भरवा नहीं सकते, क्योंकि बहुत से पेट्रोल पंप वाले चोर भी होते हैं ना, तो इस वजह से नहीं भरवा सकते। तो अभी चलो चलते हैं, पहले पेट्रोल पंप से तेल लेते हैं, उसके बाद तेल कितने का था उसके बाद करते हैं। तो गाइस तेल तो मतलब कहीं मिला नहीं, और इसको देखो उठ नहीं रहा, बताओ इतनी देर से उठा रहा, उठ ही नहीं रहा। तो तेल तो आज लिया नहीं है, गाड़ी अपना 95 चल चुका है, वही 6-7 किलोमीटर खाली भी आ गया चांदनी साइड से। तो आज का काम क्या हुआ है वो मैं दिखा देता हूँ। एक तो ओला में हमारा 190 का लगभग का, और एक तो और है राइड इन ड्राइव में जो काम हुआ है वो काम मैं दिखा देता हूँ कितने का हुआ है। ये चेक कर लो इन ड्राइव में आज का काम 1985 और 190, मतलब वही 2100 कुछ रुपए का काम हुआ है, जिसमें से अपना तेल जाएगा लगभग धर लो भाई 600-700 ज़्यादा से ज़्यादा। और इसको देखो रात में घूम रहा है, ये देखो रात में घूम रहा था, क्या बताएं यार, खा पी के काम नहीं है, रात के बज रहे 1:30 और पब्लिक जग रही है,
तो चलो गाइस करते हैं इस ब्लॉग को एंड, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा है। बहुत जल्दी 1K की वीडियो बनने वाली है क्योंकि 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं तुम्हारे भाई के। तुम्हारी दुआ से और आप लोगों के सपोर्ट से मैं मतलब मेरा 1K सब्सक्राइबर होने वाला है। तो चलो बहुत जल्दी 1K सब्सक्राइबर की वीडियो आएगी। तो अभी फ़िलहाल करते हैं इस ब्लॉग को एंड।